अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। तुर्की में बलदियाती इंतखाबात के बाद बड़ा उलटफेर, अनकरा और इस्तांबुल में अर्दुगान की पार्टी को शिकस्त का सामना। सरकारी नतीजे ने हुक्मरान जमात की शिकस्त पर लगाई मोहर। 16 साल दौर इख्तदार में पहली मरतबा अर्दुगान को शिकस्त का करना पड़ा है सामना। मोदी हुकूमत की उज्ज्वला योजना की खुद बीजेपी रहनुमा संबित पात्रा ने खोली पोल। इंतखाबी प्रचार के लिए बनाई अपनी ही वीडियो से संबित पात्रा हुए ट्रोल। चूल्हे में खाना बनाती खातून को लेकर मोदी की उज्ज्वला योजना पर सोशल मीडिया सार्फिन ने उठाए सवाल। नोएडा में सीएम योगी की रैली में दिखा अखलाक कत्ल का अहम मुलजिम, पहली कतार में बैठा योगी के हक में कर रहा था नारेबाजी। जराइम पेशा अफराद को लेकर योगी की नीति पर उठे सवाल। रैली में अखलाक कत्ल के मुलजिम की मौजूदगी को लेकर ओवैसी का योगी पर वार, कहा काला लिबास पहनने वालों को तो योगी की रैली से कर दिया जाता है दूर, लेकिन लिंचिंग के मुलजिमों को पहली कतार में मिल जाती है जगह। बोले खुद को हजूमी तशद्दुद के मुलजिमों का हामी साबित करना चाहती है बीजेपी। श्रीनगर में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जैश के मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार किए जाने का दावा। फयाज लोन बताया जा रहा है गिरफ्तार शख्स का नाम। पाकिस्तान ने जिला पूंछ में एक बार फिर से की सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी शेलिंग से एक मकामी शख्स के जख्मी होने की खबर। हमले का हिंदुस्तानी फौज भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। आरएलडी लीडर जयंत चौधरी ने भी योगी और मोदी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना, कहा कातिलों को तहफ़ फराहम करने का काम करती है बीजेपी। दिल्ली में आप और कांग्रेस में नहीं बनी बात, कांग्रेस और आप में सीटों को लेकर नहीं बनी बात, केजरीवाल ने कहा राहुल ने साथ देने से किया इनकार। इंतखाबात से कबल राहुल ने खोला वादों का पिटारा, राहुल गांधी का ऐलान इख्तदार में आए तो 22 लाख लोगों को देंगे नौकरियां, कहा मोदी के दौरे इख्तदार में 22 लाख सरकारी ओहदे पड़े हुए हैं खाली। बीजेपी की शहरों के नाम बदलने की सियासत पर महबूबा मुफ्ती का सख्त रद्दअमल, बीजेपी की हिकमत आमली को बताया इंतखाबी हथकंडा, कहा मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। ईवीएम नतीज से वीवीपैट के मिलान का मामला, 21 सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल तक दी मोहलत, चुनाव कमीशन के हलफनामे का देना होगा जवाब। 21 सियासी पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ी का जताया है खदशा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबेन इनकाउंटर, 4 मिलिटेंट हलाक, 4 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी। महलूक मिलिटेंटों की सामने आई शनाख्त, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नए माली साल की शुरुआत मुल्क की आवाम के लिए ला रही है कई सारे बदलाव, कई अफराद के लिए राहत तो कईयों के लिए बनेगी जहमत का सबब। नए कानून के निफाज के बाद कई चीज़ें महंगी तो कई अशिया होंगी सस्ती। नए कानून के तहत 5 लाख की आमदनी पर टैक्स होगा फ्री, जबकि घर खरीदने में होगी सहूलत, लेकिन कार की कीमतों में आएगी उछाल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक और प्रॉपर्टी की हुई नीलामी, आज मुंबई के नागपाड़ा में हुई नीलामी, 1,80,00,000 में फरोख्त किया गया फ्लैट। पैन नंबर को आधार से जोड़ने की तारीखों में तौसी का ऐलान, 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है नई तारीख। एसडीएम के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी रहनुमा समेत 150 हामियों पर दर्ज हुई एफआईआर। इंतखाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने और हुकाम से बदतमीजी के मामले में अश्विनी चौबे पर केस दर्ज। जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से रोकने पर एसडीएम के साथ बदतमीजी की वीडियो हुई थी वायरल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फिर से सामने आया हुजूमी तशद्दुद का मामला, इस बार पुलिस अहलकार पर ही बरसी भीड़ की लाठियां। शोहर बीवी के झगड़े सुलझाने पहुंची पुलिस पर ही गांव के प्रधान ने करवाया हमला, 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ममता केजरीवाल की चंद्रबाबू नायडू की हिमायत में रैली, वजीर आजम पर जमकर सादा निशाना, कहा बीजेपी से मुल्क की सलामती को लाहिक खतरा, आवाम से बीजेपी को इख्तदार से बाहर करने की अपील की। नेपाल में सैलाब ने मचाई जबरदस्त तबाही, 27 अफराद की अब तक मौत, 400 अफराद जख्मी, सूरत हाल से निपटने के लिए फौज को किया गया है तैनात।